अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौफीक है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे सऊदी अरब में रिटर्न ड्राइवर की क्या पोजीशन है, आप कैसे आ सकते हैं सऊदी अरब के अंदर दोबारा से। आपने किसी भी कंट्री में काम किया हो, आप रिटर्नर हो, लाइक आपने कतर में काम किया है, यूएई में काम किया है, आपने किसी भी कंट्री में आपने काम किया है, हैवी ड्राइवर या फिर लाइट ड्राइवर, ट्रेलर ड्राइवर आपने किया है या बुलगर आपने यूज़ किया है, आपने डायना इस्तेमाल किया है, ठीक है, या फिर लाइट ड्राइविंग हाउस ड्राइविंग में आपने कहीं पे काम किया है किसी भी कंट्री के अंदर, तो आप लोग यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर आप आ सकते हैं और अच्छी खासी आपको जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा। मान लीजिए आपने 2 साल किसी कंट्री में लगाए या फिर आपने सऊदी अरब के अंदर ही 2 साल लगाए हैं और उसके बाद में आप चले गए हैं घर को, उसके बाद आप आना चाहते हैं, तो यहाँ पे दूसरी कंपनी के अंदर आप आ सकते हैं या उसी कंपनी के अंदर आ सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपको प्लस पॉइंट यही रहेगा कि सैलरी जो है इंक्रीमेंट होगी और बढ़के आपको मिलेगी, क्योंकि बंदा जो होता है एक साथ तो मान लीजिए 10 साल 20 साल एक साथ तो सैलरी नहीं रहती है। जब आप किसी भी फील्ड के अंदर काम करते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपको होता है तो उसी हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो जैसे ही आप अपनी कंट्री से अप्लाई करना अगर चाहेंगे यहाँ पे सऊदी अरब में, बहुत सारी जो कंपनीज है वो आपको जॉब प्रोवाइड कर रही है, वो हायर कर रही है आप लोगों को। जैसे अभी हाल फिलहाल में मैं अगर नए प्रोजेक्ट की बात करूँ, जद्दा प्रोजेक्ट हायरिंग हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे अल कसीम हो गया एंड यमामा हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आप लोगों को हायर कर रही है सऊदी अरब के अंदर। एंड इसके अलावा डाइनर ड्राइवर हो गया जैसे, तो अलमराई कंपनी, अल्फनार कंपनी, एंड इसके अलावा जो सास्को है वो हायरिंग कर रही है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। जो रिटर्नर है वो किसी भी कंट्री का हो, गल्फ रिटर्नर होना चाहिए और अच्छी खासी आपको सैलरी मिलती है, 2500 रियाल, 3000 रियाल यहाँ तक सैलरी आपको मिलती है, क्योंकि इसके बाद में फिर आप जब यहाँ पर काम करते हैं, आप ट्रेलर चलाते हैं या फिर बुलगर चलाते हैं या फिर आप डाइना चलाते हैं, तो ट्रिप के हिसाब से आप लोगों को मिलता है, यानी कि 20 रियाल पर ट्रिप हो गया या फिर आपको 10 रियाल पर ट्रिप हो गया, या अगर आप लॉन्ग रूट में चलाते हैं, ठीक है, तो लॉन्ग रूट में क्या होता है वो आपको प्रोवाइड करते हैं 50 रियाल ट्रिप। एक ट्रिप आपको लेके जानी है, फॉर एन एग्जाम्पल आप रियाद से चले और आभा गए, आभा सिटी आप चले गए, तो यहाँ से वहाँ तक इस तरीके से मिलेगा कि आपको अगर एक ट्रिप का 50 रियाल दिया जाएगा या 100 रियाल दिया जाएगा आप, तो आप जितना जल्दी जल्दी आप ट्रिप लगाएंगे तो उसी के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी, उतना ज़्यादा रियाल आपको यहाँ पे मिल पाएगा। ये सैलरी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एज एन एवरेज यही सैलरी रहती है, क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन है आप, रिटर्नर हैं, तो 2500 रियाल से लेके 3000 रियाल के बीच में रहती है और इससे ज़्यादा भी आपको मिल जाती है, जहाँ पे अच्छी खासी लाइक लॉन्ग डिस्टेंस पे जो ड्राइवर चलते हैं, जैसे सऊदी अरब से कतर जाना है या सऊदी अरब से ओमान जाना है, ये चलते हैं यहाँ पे, चलते हैं बड़े बड़े कंटेनर जो होते हैं वो सामान लेके लगेज लेके जाते हैं, यूएई में जाते हैं, इसके अलावा कतर में जाते हैं, बहराइन में जाते हैं यहाँ पे सऊदीया से, और जद्दा से जाते हैं, तो आना जाना लगा रहता है जितने भी आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ से माल जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करके ड्राइविंग में आप काम करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे अर्निंग होगा ड्राइविंग में। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, ये तो मैंने आपको बता दी यहाँ पे बड़े व्हीकल की, जैसे डाइना हो गया और ट्रेलर हो गया, एंड इसके अलावा जैसे गल्ला टाइप का जो कंटेनर होते हैं बड़े बड़े वो चलाने होते हैं, तो उसमें सैलरी आपको लगभग 4000-5000 रियाल तक उसमें उठा लेते हैं और इससे ज़्यादा भी उठाते हैं बोट ड्राइवर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हाउस ड्राइवर। हाउस ड्राइवर में यहाँ पे जो छोटी कारें होती है सऊदी अरब में जो कंपनी में या फिर कफील के यहाँ पर चलानी होती है, इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक तो कफील के यहाँ पे गाड़ी चलानी होती है और दूसरा है कंपनी के अंदर आपको गाड़ी चलानी होती है, तो दोनों को दो चीज़ यहाँ पे बन रही है, तो दोनों को अलग अलग करके बता देता हूँ ताकि आपको इजी तरीके से समझ आ पाए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे कंपनी का, कंपनी में किसी भी कंपनी में आप यहाँ पे सऊदी अरब में आ गए हैं और वहाँ पे आपको गाड़ी चलानी पड़ रही है, तो यहाँ पे ऐसा होता है किसी ऑफिसर को या किसी अकाउंटेंट को या फिर किसी भी ऐसे मैनेजर को आपको कंपनी पिक एंड ड्रॉप करना होता है, तो ये डेली का काम होता है, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं कंपनी के अंदर, जैसे कंपनी है
फॉर एन एग्ज़ाम्पल यही कंपनी है, यहाँ पे कुछ मेरे को कोई सामान चाहिए, तो आपको मैं ऑर्डर कर देगा कि यहाँ से आपको ये मेरे को सामान चाहिए, ये ला के आपको देना है कंपनी के हवाले से। तो वो बंदा क्या करेगा, सामान लेके आएगा और यहाँ पे लेके आएगा और उसका जो फतूरा होता है, फतूरा मींस के जो उसका बिल होता है, इनवॉइस होती है, वो यहाँ पे आके प्रोवाइड कर देगा। इसको बोलते हैं यहाँ पे परचेज़र। कंपनी को किसी भी सामान की ज़रूरत हुई वो मार्केट से लेके आएगा और कंपनी में देगा लाकर। तो यहाँ पे उसको छोटी गाड़ी दे दी जाती है, जैसे डैनियल होती है, पिकअप होती है, तो इसमें भी सैलरी अच्छी खासी आपको मिल जाती है। एंड इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कफ़ील के बारे में। जो बंदे यहाँ पे कफ़ील के यहाँ पे आना चाहते हैं, हाउस ड्राइविंग में आना चाहते हैं, फैमिली ड्राइविंग में आना चाहते हैं, तो वो आ सकते हैं, क्योंकि इसमें सैलरी जो है वो ज़्यादा नहीं रहती है, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बात करूँ, सीधी बात बिल्कुल। 100 बातों की एक बात घुमा फिरा के मुझे नहीं आती है, मैं आपको बिल्कुल सीधी बात बताता हूँ। इसके अंदर जो सैलरी रहती है वो 1500 रियाल से लेके 2000 रियाल के बीच में ही इसके अंदर सैलरी रहती है। और जो बंदे काम कर रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, आपके फ्रेंड हो, क्लीग हो, कोई भी हो, आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर किसी की थोड़ी बहुत ज़्यादा है तो उसका तो मुझे पता नहीं है, हो सकता है एक दो केस 100 में 2-4 केस ऐसे मिल सकते हैं, बट नॉर्मली सैलरी 1500 रियाल से लेके 2000 रियाल के बीच में ही रहती है। तो यहाँ पे और ड्यूटी का भी सबसे बड़ा ये रहता है कि आपको किसी भी वक्त उठा दिया जाता है सामान लेने के लिए या जाने के लिए, काम कराने के लिए। तो ये लोग जो हैं, आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जब फैमिली ड्राइविंग में आ जाता है बंदा, तो फिर जब भी सऊदी लोगों को जाना होता है बाहर या नमाज़ पढ़ने के लिए जाना होता है, तो वो आप लोगों को बोलेंगे कि गाड़ी निकालिए और चलते हैं, तो आपको किसी भी टाइम उठाएंगे, तो आपको मना नहीं करनी होगी। तो यही काम रहता है इसके अंदर। एंड इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स में लोगों को प्रॉब्लम आती है, वो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जिस कंट्री में भी आपने काम किया है, उस कंट्री से आने से पहले अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो ले लीजिए। लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि वो जब कंपनी से लेफ्ट होते हैं तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं, तो कई दफ़ा कंपनी खुद नहीं देती है उन लोगों को। तो ऐसा करें, आप अपना सर्टिफिकेट बनवाएं उनसे, और लाइक अपनी होम कंट्री का जो एक्सपीरियंस होता है आपको, जिस भी कंट्री के, यहाँ फॉर एन एग्ज़ाम्पल इंडिया से हैं, तो इंडिया का आप 2-4 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर मेंशन करें अपने रिज्यूमे के अंदर। उसका प्लस पॉइंट यही रहता है कि आपने अपने इंडिया होम कंट्री में भी चलाई है, और दूसरा आपने फॉरेन में भी चलाई है, गल्फ़ कंट्री में भी आपने ड्राइविंग किया है, तो इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। एंड इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आपके पास में पासपोर्ट एंड रिज्यूमे एंड सर्टिफिकेट हो गया, और गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपके पास में होना चाहिए। लाइक जिस कंट्री से आपने ड्राइविंग किया हुआ है, जिस कंपनी में आपने काम किया हुआ है प्रॉपर, उसका NOC सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, और आप अप्लाई करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपको जॉब मिलेगी इंशाल्लाह, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें ऑनलाइन। अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी जो होती है आपके नियर बाय में, उससे कॉन्टेक्ट करें। जेन्युइन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। एंड इसके अलावा आप हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक लिंक एंड इसके अलावा इंस्टाग्राम लिंक एंड इसके अलावा आपको मैं अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। वहां पे जाके आप हमें अप्लाई करें, वहां से आप कॉन्टैक्ट करें, और हमारे फेसबुक पेज को आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए। डेफिनेटली आपको यहां से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर हमारा जो चैनल है वो बूम बहुत ज़बरदस्त तरीके से अभी हाल फिलहाल में कर रहा है, और बहुत ऊपर जाने वाला है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए एंड यहाँ पे आपकी प्रॉपर हेल्प की जाए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये गाज़ा डिस्ट्रिक्ट भूटान की तस्वीर है, और बहुत ज़बरदस्त लग रही है मेरे को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिस्टम पे इसको लगाया हुआ है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, टाटा टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।